इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भले ही कहते हैं कि उन्होंने हमास को मिटाने की कसम खाई है, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें खुद पता है कि अभी तक वो इस समूह को कितना मिटा चुके हैं और कितना मिटाना अभी बाकी है। साल भर से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है और अब तक इसराइल किसी निर्णायक नतीजे के करीब भी नहीं पहुंचा है, जबकि अमेरिका इसराइल की हर तरह से मदद कर रहा है। इसराइल को अच्छे से पता है कि जब तक हमास के साथ हिजबुल्ला, हूती और ईरान खड़े हैं, तब तक नेतन्याहू के लिए अपनी कसम पूरी कर पाना आसान नहीं है। इन लड़ाकों ने इसराइल की एक मुश्किल और बढ़ा दी है। अभी तक इसराइल अपने ऊपर हुए कई हमलों को दुनिया से छिपा ले जाता था, अब ये लड़ाका समूह इसराइल के उस कारनामे की भी पोल खोल दे रहा है। अब हमास और हिजबुल्ला इजरायली ठिकानों पर किए गए अधिकतर हमलों की रिकॉर्डिंग कर उसके वीडियो फुटेज जारी कर रहे हैं। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली सेना पर हमले का फुटेज जारी किया है। इस हमले में उन्होंने एक इजरायली कमांडर को भी मार गिराया है। ब्रिगेड के लड़ाकों ने जबलिया शरणार्थी शिविरों में फुटेज रिकॉर्ड किया है। इसमें मरकवा टैंक, D9 मिलिट्री ग्रेड बुलडोजर और एक अन्य सैन्य वाहन को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि इसराइल ने गाजा में इतना नरसंहार मचाया और कई ऑपरेशन चलाए, उसके बाद भी उसे वहां से तगड़ा जवाब मिल रहा है। शनिवार को अल कसाम ब्रिगेड और अल अंसार ब्रिगेड के स्नाइपर्स ने गाजा में तैनात एक इसराइली सैनिक को मार गिराया और इसका फुटेज भी जारी किया। बाद में इजरायली सैन्य कमान ने सैनिक के मारे जाने की घोषणा की। अल कसम लड़ाकों ने गाजा के एक शहर में रॉकेट से भी हमला किया। इससे पहले ही हमास और हिजबुल्ला ने भी इजरायली ठिकानों पर भयंकर हमले किए हैं और इसके फुटेज भी जारी किए हैं। हिजबुल्ला ने तेल अवीव इलाके में इजरायल के महत्वपूर्ण बेस कैंप पर हमले का फुटेज जारी किया है, तो हमास ने सशस्त्र समूह अल कसम ब्रिगेड द्वारा गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के टैंकों पर हमले का फुटेज जारी किया है। फुटेज में हमास के लड़ाकों को उत्तरी गाजा में IDF के टैंकों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हमास ने कहा कि IDF टैंकों पर कम से कम 107 रॉकेट दागे गए। सेना और रक्षा क्षेत्रों से रिटायर हो चुके कई अमेरिकी और इजरायली विशेषज्ञों ने इन लड़ाकों की क्षमता पर आश्चर्य भी जताया है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इसराइल इनको हल्के में लेने की भूल कर रहा है, जबकि इनके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है और ये लंबे समय तक युद्ध करने में सक्षम है। इससे तो यही लगता है कि नेतन्याहू को अब हमास को मिटाने की जिद छोड़कर युद्ध खत्म करने के दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसराइल के साथ ही ये बात अमेरिका को भी समझनी होगी, जिससे कि विश्व में शांति स्थापित हो सके, क्योंकि इसराइल ने जब भी जितना बड़ा हमला किया है, उसके कुछ दिन बाद ही हमास हिजबुल्ला ने उसके ठिकानों पर और बड़ा जवाबी हमला किया है और आज तक करते आ रहे हैं। यानी इन समूहों के पास न तो हथियारों की कमी है न लोगों की। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इन युद्धों में जल्द ही कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में सरकार बदल गई है। अभी तक जो भी हो रहा था वो बाइडेन के इशारे पर हो रहा था और अब कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है।